रियान पराग और अक्षर पटेल की तूफान में उड़ी श्रीलंका की टीम दे दिया भारत को 248 रन का टारगेट। अब देखिए भारत ने श्रीलंका को इस मुकाबले में हरा पाते या नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने भारत को 248 रन का टारगेट दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन कितने रन की अहम पारी खेली। जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका का आखिरी वनडे मुकाबला आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था। श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 ओवर में 7 विकेट खोकर श्रीलंका ने 248 रन सिर्फ बना पाए। श्रीलंका की ओर से अविष्का फर्नांडो ने सर्वाधिक 96 रन की पारी खेली। हुए रियान पराग ने भारत के लिए 3 विकेट चटकाए, जो कि सर्वाधिक विकेट 3 विकेट लेने वाले इस मुकाबले में भारत के बल्लेबाज बने। 249 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की टीम। अब देखिए जीत दर्ज कर पाते या नहीं, आइए हम आपको बताते हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुना और टीम के सलामी बल्लेबाजी ने टिक कर और जोरदार शुरुआत की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी हुई। वही पातुम निशंका ने 65 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट। फिर अविष्का फर्नांडो अपने शतक से मात्र 4 रन दूर रहे। वही 96 रन बनाकर 102 बॉल पर, जिसमें से 9 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के शामिल थे, जो कि 94 की स्ट्राइक रेट से खेले। वह तीसरे नंबर की बात करो, तीसरे नंबर पर विकेट कीपर आए कुशल मेंडिस खेलने के लिए। कुशल मेंडिस 59 रन की पारी खेले और एक शानदार अर्धशतकी की बदौलत 82 बॉल पर 59 रन की एक अहम पारी खेली और श्रीलंका को 200 के पार का टारगेट दिखाया। वह चरित्र श्रीलंका रियान पराग के बॉल पर LBW आउट हो गए, जो कि श्रीलंका के कप्तान ने वह सिर्फ 10 रन ही बना पाए। वहीं फिर बता दें आपको, पाथुम निशंका, अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस के विकेट गिरने के बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। वहीं चरित्र श्रीलंका के आउट होने के बाद सदीरा समुद्र किसका 0 रन पर आउट हो गए। जनित लियांजो 8 रन पर ही आउट हो गए। 12 गेंद बम खेल कर जिसमें से एक चौका शामिल था। वहीं धोनी थवाले के 2 रन बना पाए 3 बॉल पर और 66 की स्ट्राइक रेट पर आउट हो गए। कमांडो मेंडे जो कि थे 23 रन बनाए थे 19 बॉल पर, जिसमें से एक छक्का शामिल था। वही मथिसा तीक्षणा जो थे 3 रन बनाए थे 4 बॉल पर, जिसकी बदौलत श्रीलंका ने 248 रन का टारगेट दे पाया भारत को। अब बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में मोहम्मद सिराज 9 ओवर फेंके थे, जिसमें 78 रन देकर एक विकेट ही पाने में सक्षम रहे। वही शिवम दुबे 4 ओवर फेंक कर 9 रन दिए, जो कि एक विकेट भी नहीं मिला। अक्षर पटेल 10 ओवर बॉलिंग करके 1 ओवर पर मेडन और 41 रन देकर 1 विकेट झटके। दवाई वाशिंगटन सुंदर आज 8 ओवर में 29 रन दिए, जो कि 1 विकेट नहीं। कुलदीप यादव 10 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट झट गए। वही रियान पराग सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले आज भारतीय बल्लेबाज बन गए। रियान पराग 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट ने 6 के इकोनॉमी रेट से। आपको क्या लगता है, आज भारत इस मुकाबले को जीतने में सक्षम है? तो अगर भारत जीत जाती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।